नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसको लिखा है हरियाणा की सुप्रसिद्ध लेखिका कमल कपूर जी ने और कहानी का नाम है अलविदा। तो आइए सुनते हैं कहानी अलविदा। शिमला की मॉल रोड पर टहलते हुए चहू और बिखरी खुशरंगियां मन के दामन में समेट रही थी वो कि शिखा, किसी अजनबी पुरुष स्वर ने उसे चौंका दिया। मुड़कर देखा तो सिहर उठी। अखिल तुम यहाँ? पहचान लिया तो इसका मतलब अब तक तुम भी भूली नहीं मुझे, वो मुस्कुराया। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं अखिल, तुम्हारा दिया दर्द मेरी रग रग में बह रहा है जैसे। मेरा दिया दर्द? उसके स्वर में हैरत थी। जी हाँ, याद करो ऐसे ही अचानक एक दिन मेरे कॉलेज के गेट पर आ खड़े हुए थे तुम और कहा था तुमने दुनिया में कभी किसी ने किसी को इतना प्यार ना किया होगा जितना मैं तुम्हें करता हूँ शिखा। बोलो शादी करोगी मुझसे? बात को आगे बढ़ाते हुए अखिल ने कहा और तुमने कांपते हुए स्वर में कहा था हमारे यहाँ रिश्ते की बात लड़की से नहीं उसके घर वालों से की जाती है। पापा मेरे है नहीं, काउची हैं। अब वो जो कहेंगे मुझे स्वीकार होगा। अब शिखा ने उसकी बात काटी। सच? मैं कल ही पापा को ताऊजी के पास भेजता हूँ। कहते हुए तुमने कसकर मेरा हाथ थाम लिया था अखिल। और फिर तुम्हारे पापा ने ताऊजी से मिलकर कहा कि आपका और हमारा कोई मेल नहीं, कोई जोड़ नहीं हमारा और आपका। अपनी आवारा लड़की को संभालो और भी ना जाने क्या क्या। शिखा का स्वर भीग आया था। एकदम गलत, मैं साथ था पापा के। उल्टा तुम्हारे ताऊजी ने कहा था कि लड़की को फिट पड़ते हैं और कभी कभी पागलपन के दौरे भी। मैं नहीं चाहता कि किसी भली लड़के की जिंदगी खराब हो। और भी बहुत कुछ कहा था तुम्हारे ताऊजी ने तुम्हारे बारे में, तड़प कर कहा अखिल ने। और तुमने यकीन कर लिया अखिल? मुझसे मिलकर पूछना जानना भी ठीक नहीं समझा तुमने? बहुत कोशिश की थी शिखा मैंने तुमसे मिलने की, पर तुम्हारी माँ ने तुम तक पहुँचने ही नहीं दिया मुझे। खूब लताड़ा, खूब दुत्कारा, ताऊजी की बताई उसी झूठी बात को दोहरा दोहरा कर। चाहो तो तुम पूछ लो अपनी माँ से। अब पूछने के कोई मायने ही नहीं रहे अखिल, शादी हो चुकी है मेरी और 5 साल के बच्चे की माँ भी हूँ मैं। अंश मेरा बेटा और उसके पापा होटल में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, अब मुझे जाना होगा, कहकर वो लिफ्ट वाले रास्ते की ओर चल दी। 4 कदम चली होगी कि अखिल ने पुकारा, शिखा रुको जरा। और वो रुक गई। तुम्हारी शादी के बाद ही मैं अमृतसर छोड़कर चंडीगढ़ आ गया था। लौटते हुए अंश और उसके पापा के साथ मेरे घर जरूर आना, ये लो मेरा कार्ड। शिखा ने विजिटिंग कार्ड थाम लिया तो अखिल ने पूछा आओगी ना? जवाब शिखा की आंखों से झलकते आंसुओं ने दिया, ना समझ में आने वाला जवाब। 4 कदम चलकर मुड़कर देखा शिखा ने, अखिल वहीं खड़ा था। कलेजे में एक हूक सी उठी। अखिल ने हवा में हाथ लहराया और शिखा ने विजिटिंग कार्ड पर्स के हवाले कर आहिस्ता से कहा अलविदा अखिल, अलविदा। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा।